तेब यार भितर बड़ राय बा गुरुत्वपूर्ण राय सामनाकु आसी जहाँ समस्त नजर रही घाटी 370 इतिहास 1947 अक्टोबर 26 भारत सहित जोड़ी होता जम्मू और कश्मीर 1949 संविधान ने जोड़ा होता धारा 370 प्रथम यह विरोध करते संविधान प्रणेता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर धारा 370 फल जम्मू और कश्मीर राज्य को मिलता स्वतंत्र मान्यता ए धारा अनुजाई भारत सब आईन जम्मू और कश्मीर लागू होना केवल प्रतिरक्षा वैदेशिक व्यापार अर्थ एवं जोगाजोग क्षेत्र में आईन प्रणयन करत अन्य क्षेत्र में किसी आईन लागू करने जम्मू और कश्मीर विधानसभा अनुमति ने पड़े जम्मू और कश्मीर बासिंदा स्वतंत्र अधिकार पाए जम्मू और कश्मीर संपत्ति और जमी को अगर राज्य लोक कि किंतु जम्मू और कश्मीरवासी अन्य राज्य में जमी एवं संपत्ति किए आर्थिक विपत्ति बेले जम्मू और कश्मीर आर्थिक जरूरीकालीन परिस्थिति जारी करना बाह्य आक्रमण किंवा युद्ध समय जरूरीकालीन परिस्थिति को जारी करी हेबो धारा 370 एक अस्थायी अधिकार बोली संविधान ने उल्लेख रही आज ये सारी चीज का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है, जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया बिल्कुल सही लिया फैसला, जो उन्होंने यूनियन टेरेटरी को यूनियन टेरेटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहाँ तक जो कानून वहाँ लागू हो चुके हैं राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुप्रीम केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35 के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। ऐसा प्रावधान था जिसमें कश्मीर में खासकर कश्मीर वादी में 20,000 लोगों की जानें गई, 8,000 जवानों ने शहादत दी, 5 लाख लोग बेघर हो गए, जाति सहारा और नरसंहारा। तो आज जो धारा इसका कारण थी, आज उस धारा का निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, एक बहुत ही वेलकम जजमेंट है और मुझे उम्मीद बनती है कि इससे वापस कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात सामान्य होंगे और जो 5 लाख लोग बेघर हुए हैं उन्हें न्याय मिलेगा और शायद वापस घर जाने का मौका भी।